अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वक्त हम मौजूद हैं एफएम मस्त 103 में और बहुत ही मज़े का शो चल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इकबाल के साथ और बड़े मज़े मज़े की हम बातें कर रहे हैं और बहुत ही मज़े का शो चल रहा है इनका। और जो हमारे मेरे ख्याल से जो व्यूअर्स हैं वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप कुछ कहें, आपको ऐसा लग रहा है इकबाल आज मेरे साथ शो करके? यस गाइस, वी आर लाइव ऑन मस्त एफएम 103। मेहमान मौजूद है नेहा शेख। फेसबुक दोस्तों को सलाम, क्योंकि आज मेरे होस्ट आप हैं। यहाँ बोले आप, यहाँ बोले आज मेरे होस्ट ये है, जबकि मैं होस्ट होती हूँ, लेकिन आज मेरे होस्ट जो है इकबाल है और ये मुझसे बड़े ही मुश्किल सवाल कर रहे हैं और मैं देख मजबूर हो गई हूँ जवाब दे। कितना मुश्किल के बाद ही कामयाबी होती है। हाँ जी बिल्कुल, कामयाब लोग मुश्किल का सामना करके कामयाबी हासिल करते हैं। ऐसा ही है, लग अच्छी नहीं है, ड्रेस आपका अपना है या वो कहते हैं ये किसी डिजाइनर? नहीं, ये मेरे अपने ड्रेसेस होते हैं। जितने भी मैंने आज तक कोई भी अपना जो ड्रेसेस है वो कोई मैंने डिजाइनर कहा, डिजाइनर ड्रेसेस मैं पहनती हूँ लेकिन मुझे स्पॉन्सर नहीं होता। अच्छा, तो वो जितने भी होते हैं वो मेरे अपने ही होते हैं। क्या बात है जी, और जबरदस्त हो गया। और जितने लोग मौजूद हैं, सलाम पाकिस्तान या दुनिया में जहाँ कहीं मौजूद हैं आप। ठीक है, तो नेहा क्या कहेंगी, कैसी चल रही है आपकी लाइफ? लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, मजा आ रहा है। और व्हाट अबाउट मीडिया एक्सपीरियंस? मीडिया एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा, जबरदस्त। और क्योंकि मीडिया में, क्योंकि आप अगर अपने दोस्त अच्छे, अपने कॉलीग्स जो है ना वो आप अपने अच्छे बनाए तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि मेरे इदारे में, मेरे जो चैनल है उसमें जो मेरे जितने भी कॉलीग्स हैं उनके साथ तो खैर मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है काम करने का। वैसे लोगों के माइंड में मीडिया के हवाले से बहुत ही गलत बातें भी आती है, लेकिन मीडिया इतना बुरा है नहीं जितना बताया जाता है। अच्छा जी, जी जनाब, आपने सुना, मीडिया इज नॉट एज बैड जितना बताया जाता है। फरीद साहब बहुत शुक्रिया, जुलेखा बहुत शुक्रिया, कितना हयात लेके चलो चाहे कायनात चलो तो जमाने को साथ लेके चलो। और कहते हैं सच्ची मोहब्बत एक नायाब शेर नेहा, पर सच्ची दोस्ती उससे भी नायाब है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, सही बात है। अच्छा, आपको आपको अपनी लाइफ में अच्छे दोस्त मिले? मुझे मेरी लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त मिले, लेकिन मैं दोस्त बहुत सिलेक्टिव बनाती हूँ क्योंकि मैं हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। अच्छा अच्छा, कहते हैं कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। क्या ये बात सच है? हाँ जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि मेरा अपना भी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से मैंने अब जो है दोस्त बनाना बहुत लिमिटेड कर दिया है। हाँ कलीग्स हैं और जो मेरे पुराने दोस्त हैं जो मेरे साथ अभी तक चलते हुए आ रहे हैं तो वो मेरे बहुत ही ऑनेस्ट और मेरे साथ बहुत ही अच्छे हैं। तो क्या बात है जी। और इसके साथ ही 103 सुनने वालों से इजाजत लेते हैं, यहाँ मौजूद होंगे। हाँ जी ठीक है जी, तो क्या कहेंगे जितने लोग पाकिस्तान या दुनिया में मौजूद हैं जाते हुए? बस मैं यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें और जाहिर है अभी जो हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कोरोना की, COVID-19 की जो सिचुएशन है, ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें, हैंड सैनिटाइज करें, अपना ख्याल रखें, बस दुआ में याद रखें। वाह जी वाह, राहत साहब की आवाज के साथ लेते हैं इजाजत, फिर मुलाकात होगी जी। फेसबुक पर इकबाल शाह, यूट्यूब कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर 1 FM 103 सुनते रहिए जी। और कहते ना, मोहब्बत तेरा जवाब नहीं, तुझसे बढ़कर कोई शराब नहीं। स्टे ब्लेस, टेक केयर, बाय जी। कमेंट में कौन कर रहे थे? कमेंट्स में हमारे साथ मीर मुख्तार बलोच भी हैं, हुमैरा नाज भी हैं और मोहम्मद उबैद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है राफे भाई कौन है? बाबा प्लीज कमेंट ट्रीट करें। अभी भी हम लाइव हैं? फेसबुक पर लाइव हैं। ओके जी मुख्तार साहब, ऑल दी वे मेरे ख्याल से ही इज फ्रॉम खैरपुर। थैंक यू हुमैरा, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं अब आबिद? थैंक यू अजीम, बहुत शुक्रिया। तो नेहा क्या कहोगी अब जी, बदलता हुआ मौसम या जो सर्दियों की शामें होती है ना, इसमें अपनों की यादें बहुत आती हैं। क्या ये सच बात है? बिल्कुल सच बात है। आप क्योंकि सर्दियों की जो रात होती है वो आप अपने ब्लैंकेट में उसके गर्म कॉफी के साथ और आप ख्यालों में हो तो वो एक, फिर आप जो ख्यालों में चले जाते तो आप हर चीज सोच ही रहे होते हैं, चाहे वो आपके अपने हो या गैर हो, जो जो आपके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिंदगी में। क्या बात है जी, उनके साथ इनकी सिस्टर नूर भी मौजूद है। हाय नूर।
और थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। जरूर बताइए जी व्हाट यू थिंक, क्या कहेंगे आप। गजल शेख बहुत शुक्रिया, यहाँ नेहा शेख मौजूद हैं, तो क्या बात है जी। हाँ जी बिल्कुल। फेवरेट कलर आपका? मेरा फेवरेट कलर ब्लैक, ब्लू, व्हाइट और पर्पल, ये मुझे बहुत पसंद है। ब्लैक, ब्लू, व्हाइट और पर्पल, क्या बात है, ये मेरे फेवरेट कलर्स हैं। और मुझे ज्यादा जो पसंद है वो मेरा ब्लैक है। क्या बात है जी, जबरदस्त हो गया ये तो। और बाकी मुझे आउटिंग भी बहुत अच्छी लगती है, शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है। और आवाज, क्या बात है, सोना बहुत पसंद है, सोती रहती हूँ, बस करने में सोती रहूं। क्या, और सर्दी में वैसे नींद बहुत आती है, बहुत ज्यादा आती है मुझे, वैसे ही बहुत नींद आती है। हाँ नींद बहुत आती है, क्या बात है जी। आज बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नेहा, व्हाट डू थिंक, कहते हैं कि शमशेर सर मेरे ख्याल से ही इज ऑल द बेस्ट फ्रॉम ईरान। अच्छा शमशेर मौजूद है, और क्या कहेंगे, कहते हैं कि शादी इंसान की जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है, तो ये बात सच है। अहम हिस्सा मतलब, हाँ लाजमी है ये शादी, क्योंकि कभी ना कभी आपको जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि आपको अपने लाइफ पार्टनर की जरूरत पड़ती है। होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि आप कभी भी अकेले नहीं रह सकते। जैसे आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं कभी, जैसे जाहिर माँ बाप हैं वो कब तक हैं, लेकिन जब आप उनके घर से हट जाते हैं या अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप भाइयों के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, बहनों के ऊपर भी नहीं, ना पेरेंट्स के ऊपर, आप अपनी जिंदगी की, क्योंकि आप चाहते हैं कि अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं, तो उस वक्त आपको आपके जो है लाइफ पार्टनर की जरूरत पड़ती है। अच्छा नेहा, कुछ लोग आते हैं आपकी लाइफ में जो कहते हैं कि मेरा आज भी तू, मेरा कल भी तू, मेरी एक सदी, मेरा पल भी तू, तो ऐसे लोग आते हैं वो सच कहते हैं या फिर ड्रामा करते हैं? ऐसे लोग मेरी नजर में वो फेक लोग होते हैं। अच्छा, वो बिल्कुल टोटली ड्रामा, तो कैसे सही, कैसे पता चले बंदा सही है? जो आपके साथ ऑनेस्ट होगा ना, तो वो मेरे ख्याल से वो इस तरह की बातें नहीं करेगा। वो कैसे कहेगा, मतलब कहेगा आई हर्ट यू, आई डोंट लाइक यू, ऐसे कहेगा? नहीं, ऐसे भी नहीं कहेगा वो मुझे, उसका अभी तक ऐसा का एक्सपीरियंस रहा नहीं है। तो वो ये कहेंगे कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, सिंपल, और मैं अभी करना चाहता हूँ। तो क्या इतनी आसानी से शादी हो जाती है कि मतलब शादी जो के लिए करने वाले होते हैं वो कर लेते हैं? कहते हैं ना कि शादी का आगाज भी इन छोटी छोटी चीजों से तो होता है ना। वो बिल्कुल होते ही, अंडरस्टैंडिंग होना भी लाजमी है, लेकिन जो इस तरह की इतनी आपको जो एक फैंटेसीज में ले जाते हैं कि बस, हाँ जी, तो वो मेरे ख्याल से मेरी नजर में कि वो फेक है, ड्रामा है। मतलब जो मोहब्बत करता है वो डायरेक्टली कहेगा यार कि मुझे आपसे शादी करनी है। अच्छा जी, मौसम बदल रहा है, किस तरह का फूड पसंद है आपको? मुझे सी फूड बहुत पसंद है, सी फूड बहुत पसंद है, इस वेदर में तो मुझे वैसे भी सी फूड खाना बहुत। अच्छा आपने जैसे कि आप जर्नलिस्ट भी रही, लेकिन नेहा अब पाकिस्तान में इतना आसान नहीं है जर्नलिज्म, जिस तरह आप खुल के हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं कर सकते, तो क्या कहोगे वैसे आपके ऊपर? तो आपको बताऊं दोस्तों, नेहा के ऊपर एक नहीं दो नहीं तीन फायर हुए थे, उसकी डिटेल प्लीज बताएं हमारे। हाँ, एक हम रेड पे गए थे, तो मैं अभी यहाँ पे गिजरी का एक वाकया था, तो मैं वहाँ पे गई थी और हम लाइव रेड पे थे, वहाँ पे मेरे साथ पुलिस डिपार्टमेंट सब था हमारे। लेकिन तो बात ये थी, जब मैं वहाँ पे पहुंची तो उधर जो वहाँ पे लोग थे अंदर, जो गेस्ट हाउस के जो लोग थे, वो हमारी पुलिस के साथ मिल गए। अच्छा, पुलिस हमारी साइड पे हो गई थी, और अच्छा, मतलब क्योंकि उनका एक मंथली इनको वो जाता है ना, उनका एक होता है फिक्स अमाउंट, तो जब वो वहाँ पे उन्होंने उनको भेज, वो जब हमारे साथ गए वहाँ पे, तो वो उनकी ही उस वक्त साइड पे चले गए, और फिर उन्होंने हमारे ऊपर स्ट्रेट फायर किए, मेरी पूरी टीम, मैं, हमारे कैमराज। तो कोई आपको चोट लगी हो या फिर? हाँ जी, मेरी बैग पे जो है काफी निशानात आ गए थे। अच्छा, और सर पे मतलब फायर लगा था? नहीं नहीं सर पे, वो तो शुक्र है, वरना तो मतलब दो, अगर अगर एक मिनट मैं पीछे हो गई थी, तो मुझे फॉरन टच हो जाता, मैं वहीं पे लग जाता। बस बस अल्लाह आपको महफूज रखे, हिफाजत में रखे। लेकिन इतना मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम अपने आवाम के लिए सारे ये चीजें फेस कर रहे होते हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमें अप्रिशिएट किया जाए बस, क्योंकि हम जो है अपनी जानों को हथेली पे रखे अपनी जिंदगियों से खेलते हुए, जब हम लोग घर से निकलते तो हमें नहीं पता होता कि हमने घर पे वापस आना भी है नहीं आना, और हमारी जो मामा, मेरी जो मामा है वो बहुत ज्यादा परेशान भी रहती हैं, लेकिन अब जाहिर है अब तो खैर उनको आदत हो गई है सब चीजें देखने की। अब तो आदत सी हो गई है। हाँ, अब तो आदत सी है मुझको। तो बिल्कुल जी, दुआओं में याद रखिए, और लिखा है कि मेरा चेहरा मेरी गमों की तर्जमानी कर, बात सच है, और
ये भी तो कहता ना कि डोंट से यू लव मी, शो मी. अगर आप किसी से मोहब्बत करें जो भी, तो खुल के बात करनी भी चाहिए. थैंक यू एवरीवन, साथ रहें आपकी मौजूदगी का. तो शो कैसे जा रहा है आपका? नहीं हम, मेरा शो बहुत अच्छा जा रहा है. आज मेरे शो में हरीम शाह मौजूद थी, बहुत ही मजे की. तंग किया उन्होंने आपको? मैंने उन्हें तंग किया उनसे सवालात मैंने ऐसे किए, तो जाहिर जो हमारी जो नाजरीन है उन्होंने जो हमें कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस किए थे, मैंने उनसे वही सवालात किए, तो बस उनको थोड़ा सा वो बुरा भी लगा, अच्छा भी लगा. और हाँ, हर तरह का बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा जी, दैट्स ग्रेट, दैट्स अच्छा रहा. थैंक यू एवरीवन, आपके साथ नेहा और हम लाइव रहे नंबर 1 FM 103 पे. तो बिल्कुल जी, थैंक यू एवरीवन. कहते हैं ना, जिंदगी हसीन लगती है जब अपनों का साथ हो, तो यही बात है जी. तो निया और क्या करने का रहता है, ये सेट है शो या कुछ कुछ डिफरेंट कुछ करना है? आगे मैंने बस ये इसी को कंटिन्यू रखना है, और मैं यही चाहती हूँ कि इंशाल्लाह मेरे जो अपने लोग हैं उनके मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जब उनकी तरफ से मुझे व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट क्या आप चाहती हैं, मतलब कि हम मुझे अप्रिशिएट किया जाए हमारे शो को, क्योंकि एक जो ट्रेंड बना हुआ है शादियों का, मैं वो नहीं करती. मैं नए नए कंटेंट, नए नए टॉपिक्स पे बात करती. तो यू थिंक कि जो ये मॉर्निंग शोज या बाकी शोज में शादी तो खैर कम हो रहे हैं काफी, तो यू थिंक शादियां नहीं होनी चाहिए? अब शादियां सिर्फ रियल में होनी चाहिए, शोज में शादियां नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही है? हाँ, क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया, कुछ नया होना चाहिए जी बिल्कुल, कुछ डिफरेंट होना चाहिए. शादियां जरूर होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में, और शोज में शादियां नहीं होनी चाहिए. मंगनी हो सकती है शोज में? हाँ, वो सही है. मायो भी हो चुका है, पुराना हो गया है. हाँ, एंगेजमेंट सही है. तो शोज में जितने हमारे फेसबुक पर जो आर्टिस्ट भी मौजूद, उनसे कहेंगे जी शोज में मंगनी जरूर होनी चाहिए, लेकिन शादियां नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन. अब खुश रहें, शादोआबाद रहें. क्या कहेंगे जाने से पहले? बस दुआ में याद रखें, और इकबाल मुझे हम सबको जो है अप्रिशिएट करते रहा करें. बस ये कहूँगी, क्योंकि देखिए एक आर्टिस्ट हो गया या जो भी हो गया, बस उसको अपने उनके जो फैंस होते हैं उनकी सपोर्ट, उनका जो है एक साथ जो है ना, वही उनको आगे बढ़ाता है, एक जज्बा मिलता है. कहते ना, जिंदगी हसीन लगती जब अपनों का साथ हो. बिल्कुल, बेशक. तो हम नहीं, जो लोग टीवी शोज में या रेडियो या आर्टिस्ट होते हैं उनको, बिल्कुल नेहा ने सही कहा कि आपकी अप्रिसिएशन ही हमारे लिए मोटिवेशन बनती है. और बहुत ज्यादा जो लोग आ रहे हैं, शादी लाजमी है जिंदगी में, सही बात है, कह रहे हैं लाजमी तो है, मैंने भी यही कहा लाजमी है, लेकिन वक्त एक ऐसा आता है कि जब आपको जरूरत पड़ती है. अच्छा, लेकिन अब आप ये देखें, अभी जो काफी अर्ली एजेस में लड़कियों की शादी हो जाती है, बाद में जाके वो, क्योंकि इतने मैच्योर नहीं होते ना, आप जब इन मैच्योरिटी में शादी करते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि जो है ये लड़की भी मेरे साथ रहे, और वो लेकिन नहीं रह पाती क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है. व्हाट यू थिंक, व्हाट्स द बेस्ट एज फॉर द मैरिज? किस एज में? 28-29. अच्छा, नॉर्मली कहते हैं यूजुअली फॉर द गर्ल्स इट्स बेटर के 20-21-22 साल की शादी में कर लें. एज डिफरेंस होना चाहिए फॉर द मैरिज? हाँ जी, होना चाहिए. या सेम होना चाहिए? लड़की की एज कम होनी चाहिए, लड़का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लड़का मैच्योर हो तो ज्यादा अच्छा लगता है, वरना फिर वो एक ना दोनों बच्चे बच्चे लगते हैं दोनों. हाँ, सही बात है. ठीक है जी, और बिल्कुल सही कहा. कई मरतबा जो लव मैरिज या फिर आपस में आप यू थिंक यार कि सब अच्छा होगा, लेकिन बाजुकात लाइफ की कुछ अपना ही जिंदगी का एक सिलसिला होता है ना, तो अरेंज होना चाहिए. अरेंज हो, लव हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, ऑनेस्टी लाजमी है, इसके बगैर आपकी जिंदगी नहीं चल सकती. बिल्कुल जी, सच है. कहते हैं कि निया कि जब अंडरस्टैंडिंग ना हो तो मोहब्बत हो नहीं सकती. बिल्कुल, जब अंडरस्टैंडिंग ना हो, आप एक दूसरे को समझ नहीं रहे, तो मोहब्बत हो ही नहीं सकती, एज ये पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सच है. थैंक यू इसरार फॉर मैम को जाना चाहिए. हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अंडरस्टैंडिंग लाजमी है. अंडरस्टैंडिंग लाजमी है, बस. ठीक है जन, थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया. और सर्दियों का आगाज है, कुकिंग करती हैं आप? कुकिंग? हाँ जी, मुझे बहुत मजे के खाने मतलब बनाना, सी फूड तो बहुत मजे का बनाती हूँ मैं. कौन सी डिश आप बेस्ट बनाती हैं? क्रैब्स, क्रैब्स, क्या बात.
अच्छा मिसेस खान का एक पॉइंट, बिरयानी मैं बहुत मजे की बनाती हूँ। ओए होए बिरयानी। अच्छा नेहा यहाँ पे हमारे बहुत अच्छी दोस्त भी है मिसेस खान, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि खवातीन को अब चाहिए कि जो नई नई बच्ची है जिनकी शादियां होती हैं वो बस हस्बैंड की खिदमत करें, उनका ख्याल रखें, और वो जो कहा था कि ज्यादा जबान का इस्तेमाल ना करें, ज्यादा लल्लो ना चलाएं। तो सुना तस्वीर क्या कहोगी आप? वैसे उनका कहना भी अपनी जगह बिल्कुल सही था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है अगर मैं बात करूँ ये खिदमत की, देखिए शादी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, आपने उसके ऊपर कोई, आपने उसको खरीदा नहीं है, आपने उसके ऊपर कोई हुक्मरानी नहीं चलानी है, क्योंकि जितना हक जो है बीवी का है और उतना ही हक शौहर का है। बेशक माना कि हमारे इस्लाम में जो है शौहर का एक रुतबा जो है ज्यादा है, लेकिन पाबंदियां जबरदस्तियां नहीं है। अगर वो अपने दिल से सब कुछ कर सकती है, आज के दौर में तो आप ये देखें ना, शौहर चाहते हैं कि मैं मेरे ससुर मेरे सॉरी मेरे पेरेंट्स की भी जो ना उसी तरह से खिदमत की जाए जिस तरह से मेरी की जाती है, लेकिन ये चीज मेरी नजर में गलत है जी। इनका कहना है कि जरूरी नहीं कि माँ बाप के साथ साथ पेरेंट्स की भी खिदमत की जाए। और दूसरी व्हाट यू थिंक जरूर बताइए नेहा, किस बात से आप इत्तफाक करते हैं या नहीं करते? अब जाम सिकंदर बहुत शुक्रिया जी। दूसरी बात क्या? हाँ मैं दूसरी बात ये कह रही थी, आपने जहाँ तक बात की मिसेस खान ने जैसे कि अपनी जबान अपनी लल्लो वो जो है कम चलाए, तो वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह जबान कम चलाए बिल्कुल, क्योंकि जबान चलाने दिमाग से आपके रिलेशन में जो है फिर वो खराबी पैदा होती है और फिर इस तरह से रिश्ते कमजोर होते हैं। तो बस मैं यही कहूंगी कि आप लोग अपनी जो है जबान को बहुत सोच समझ के चलाए, क्योंकि जबान जो है आपने मुंह से आप जो ना अल्फाज तो एक दफा निकल जाता है लेकिन अल्फाज वापस नहीं लाया जा सकता। तो बस यही मैं कहूंगी, इकबाल आप क्यों परेशान हो गए? नहीं नहीं हम बिल्कुल एक अच्छी डिस्कशन है और लोग भी बहुत से आते जा रहे हैं। बिल्कुल एक बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है कि अब कहते ना फासला रखिए, और कहते हैं कि अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, जैसे हमने सोशल डिस्टेंसिंग की। बिल्कुल हमने फासला रखा, कहते ना कि नेहा के अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए। तो जब मोहब्बत में चाहने में एक लिमिट रहती है तो बोलने में भी डेफिनेटली एक लिमिट होनी चाहिए बहन। अब भाई मैं कैसे साद लोदी का दोस्त, क्या बात है साद कुब सलाम, फरीहा सादिया थैंक यू, चलें बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें शादाबाद, इतना काफी है। हाँ जी बिल्कुल, बस मैं भी ये कहूँगी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और बस सर्दियों को एंजॉय करें, सर्दियों के जैसे हम गरम गरम चाय पी रहे हैं। बिल्कुल जी, कॉफी है मेरे पास, चलिए हम कॉफी एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, और आपसे लेते हैं इजाजत, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।